भूभूर्व आदि सात उद्वर लोकों का वृत्तांत। श्री मैत्रेय जी बोले, ब्रह्मन, आपने मुझसे समस्त भूमंडल का वर्णन किया। हे मुने, अब मैं भूवरलोक आदि समस्त लोकों के विषय में सुनना चाहता हूं। हे महाभाग, मुझ जिज्ञासु से आप ग्रह ग्रहण की स्थिति तथा उसके परिमाण आदि का यथावत वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, जितनी दूर तक सूर्य और चंद्रमा की किरणों का प्रकाश जाता है, समुद्र, नदी और पर्वतादि से युक्त उतना प्रदेश पृथ्वी कहलाता है। हे द्विज, जितना पृथ्वी का विस्तार और परिमंडल घेरा है, उतना ही विस्तार और परिमंडल भूवरलोक का भी है। हे मैत्रेय, पृथ्वी से 1,00,000 योजन दूर सूर्य मंडल है और सूर्य मंडल से भी 1,00,000 योजन के अंतर पर चंद्र मंडल है। चंद्रमा से पूरे 100,000 1,00,000 योजन ऊपर संपूर्ण नक्षत्र मंडल प्रकाशित हो रहा है। हे ब्रह्मन, नक्षत्र मंडल से 2,00,000 योजन ऊपर बुध और बुध से भी 2,00,000 योजन ऊपर शुक्र स्थित है। शुक्र से इतनी ही दूरी पर मंगल है और मंगल से भी 2,00,000 योजन ऊपर बृहस्पति जी हैं। हे द्विजोत्तम, बृहस्पति जी से 2,00,000 योजन ऊपर शनि हैं और शनि से 1,00,000 योजन के अंतर पर सप्तर्षि मंडल है तथा सप्तर्षियों से भी 100,000 योजन ऊपर समस्त ज्योतिष चक्र की नाभि रूप धूम्र मंडल स्थित है। हे महामुने, मैंने तुमसे ये त्रिलोकी की उच्चता के विषय में वर्णन किया। ये त्रिलोकी की यज्ञ फल की भोग भूमि है और यज्ञानुष्ठान की स्थिति इस भारत वर्ष में ही है। ध्रुव से 1,00,000,000 योजन ऊपर महरलोक है, जहाँ कल्पांत पर्यंत रहने वाले भृगु आदि सिद्धगण रहते हैं। हे मैत्रेय, उससे भी 2,00,000,000 योजन ऊपर जनलोक है, जिसमें ब्रह्मा जी के प्रख्यात पुत्र निर्मलचित सनकादि रहते हैं। जनलोक से 4 गुना अर्थात 8,00,000,000 योजन ऊपर तपलोक है, वहां वैराज नामक देवगणों का निवास है, जिनका कभी दाह नहीं होता। तपलोक से 6 गुना अर्थात 12,00,000,000 योजन के अंतर पर सत्यलोक सुशोभित है, जो ब्रह्मलोक भी कहलाता है और जिसमें फिर न मरने वाले अमरगण निवास करते हैं। जो भी पार्थिव वस्तु चरण संचार के योग्य है वो भूवरलोक है, उसका विस्तार मैं कह चुका हूं। हे मुनिश्रेष, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में जो सिद्धगण और मुनिगण सेवित स्थान है, वही दूसरा भूवरलोक है। सूर्य और ध्रुव के बीच में जो 14,00,000 योजन का अंतर है, उसी को लोक स्थिति का विचार करने वालों ने स्वरलोक कहा है। हे मैत्रेय, ये भू भुव स्व कृतक त्रैलोक्य कहलाते हैं और जन, तप तथा सत्य ये तीनों अकृतक लोक हैं। इन कृतक और अकृतक त्रिलोकियों के मध्य में महरलोक कहा जाता है, जो कल्पांत में केवल जन्य शून्य हो जाता है, अत्यंत नष्ट नहीं होता, इसीलिए ये कृतकाकृत कहलाता है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे ये 7 लोक और 7 ही पाताल कहे। इस ब्रह्मांड का बस इतना ही विस्तार है। ये ब्रह्मांड कपित्थ कैथे के बीज के समान ऊपर नीचे सबोर अंड कटाह से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये अंड अपने से 10 गुने जल से आवृत है और वो जल का संपूर्ण आवरण अग्नि से घिरा हुआ है। अग्नि वायु से और वायु आकाश से परिवेष्टित है तथा आकाश भूतों के कारण तामस अहंकार और अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, ये 7ों उत्तरोत्तर एक दूसरे से 10 गुने हैं। महतत्व को भी प्रधान ने आवृत कर रखा है। ये अनंत है तथा उसका ना कभी अंत नाश होता है, ना कोई संख्या ही है, क्योंकि हे मुने, वो अनंत असंख्येय अपरिमेय तथा संपूर्ण जगत का कारण है और वही परा प्रकृति है। उसमें ऐसे ऐसे 1,000,000,000,000 तथा 100,000,000,000,000 ब्रह्मांड हैं। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि और तिल में तैल रहता है, उसी प्रकार स्वप्रकाश चेतनात्मकता व्यापक पुरुष प्रधान में स्थित है। हे महाबुद्धे,
ये संश्रयशील आपस में मिले हुए प्रधान और पुरुष भी समस्त भूतों की स्वभूता विष्णु शक्ति से आवृत हैं। हे महामते, वो विष्णु शक्ति ही प्रलय के समय, उसके पार्थक्य और स्थिति के समय उसके सम्मेलन की हेतु है तथा सर्गारंभ के समय वही उनके शोभ की कारण है। जिस प्रकार जल के संसर्ग से वायु सैकड़ों जलकणों को धारण करता है, उसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति भी प्रधान पुरुषमय जगत को धारण करती है। हे मुने, जिस प्रकार आदि बीज से ही मूल स्कंध और शाखा आदि के सहित वृक्ष उत्पन्न होता है और तदनंतर उससे और भी बीज उत्पन्न होते हैं तथा उन बीजों से अनन्यान्य वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वे भी उन्हीं लक्षण द्रव्य और कारणों से युक्त होते हैं, उसी प्रकार पहले अव्याकृत प्रधान से महतत्व से लेकर पंचभूत पर्यंत संपूर्ण विकार उत्पन्न होते हैं तथा उनसे देव असुर आदि का जन्म होता है तथा फिर उनके पुत्र तथा उनके पुत्रों के अन्य पुत्र होते हैं। अपने बीज से अन्य वृक्ष के उत्पन्न होने से जिस प्रकार पूर्व वृक्ष की कोई क्षति नहीं होती, उसी प्रकार अन्य प्राणियों के उत्पन्न होने से उनके जन्मदाता प्राणियों का ह्रास नहीं होता। जिस प्रकार आकाश और काल आदि सन्निधि मात्र से ही वृक्ष के कारण होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि भी बिना परिणाम के ही विश्व के कारण हैं। हे मुनि सप्तम, जिस प्रकार धान के बीज में मूल नाल पत्ते अंकुर तथा कोष पुष्प शीर टंडुल तुष और कण सभी रहते हैं तथा अंकुरोत्पत्ति की हेतु भूत भूमि एवं जल आदि सामग्री के प्राप्त होने पर वे प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार अनेक अनेक पूर्व कर्मों में स्थित देवता आदि विष्णु शक्ति का आश्रय पाने पर आविर्भूत हो जाते हैं, जिससे यह संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है, जो स्वयं जगत रूप में स्थित है, जिसमें ये स्थित हैं तथा जिसमें ये लीन हो जाएगा, वो परम ब्रह्म ही विष्णु भगवान है। वो ब्रह्म ही उन विष्णु का परम धाम पर स्वरूप है। वो पद सत और असत दोनों से विलक्षण है तथा उससे अभिन्न हुआ ही ये संपूर्ण चराचर जगत उससे उत्पन्न हुआ है। वही अव्यक्त मूल प्रकृति है, वही व्यक्त स्वरूप संसार है, उसी में यह संपूर्ण जगत लीन होता है तथा उसी के आश्रय से स्थित है। यज्ञादि क्रियाओं का कर्ता वही है, यज्ञ रूप से उसी का यजन किया जाता है और उन यज्ञादि का फल स्वरूप भी वही है तथा यज्ञ के साधन रूप जो श्रुआ आदि हैं, वे भी सब हरि से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है।